दूसरे वाला हाथ। अरे यार मेरा खाना ये है। आप फिर मिल गए वो। पता नहीं है कौन है और पता नहीं उनको हमारा सीट नंबर वगैरह कैसे पता चला। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई साहब सिक्योरिटी स्कैन। मैंने कूली हायर किया। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, जा रहे हैं हम लोग ट्रेन लेने। सब लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो गाड़ी है। अरे हिल के गिर गया होगा वो। हालत ख़राब हो रहा है तो उठा के ले चलो। स्टेशन आ गए हम लोग। चलो ये गिटार। बाप रे मिस होते होते पहुंच गया। क्या निकालो गिटार उधर से निकालो बीच में से। एक मिनट जैसा मैंने बोला था मैंने वैसा कर दिया। दूसरे वाला हाथ। अबे यार ये गिरेगा। चल दूसरे वाला माथे पे उठाना। माथे पे उठाना। चलो तुम फोन लो बाबा। चलिए मैंने कूली हायर किया है। यूट्यूबर कूली हायर किया है मैंने सामान उठाने के लिए। वाह वाह वाह। एक दो सब्सक्राइबर भी आए हैं स्टेशन पे हमसे मिलने के लिए। वो देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। बस हो गया खत्म। हालत हो गया तुम्हारा। अरे यार इतना सारा उठाना पड़ रहा है इसको। अरे अरे उठा 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 उठा, उठा के रखो। हम लोग यहाँ से काता वगैरह लेके जा रहे हैं ना काटने वाला। तो सिक्योरिटी स्कैनर में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो ना आधार कार्ड वगैरह मांग रहे थे कि नहीं आधार कार्ड ये सब दिखा रही है। काटने वाला काता प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं और ये अभी अभी वाला वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे भागते भागते। अच्छा है मेरा कूली वाला रूप नहीं देखा इन्होंने। इधर सामान उठा के हालत ख़राब हो गया हम लोगों का। चला नहीं जा रहा है अब। गिन्नी का तो वजन ही नहीं है बस भैया चला के ले जा रही है। असली वजन तो हमारे पास है। तो ट्रेन में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हम लोग। अभी हम लोग ना कुछ कुछ तो खाने वाले हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है और पेट खाली है। क्या चीज़ है भाई ये? खा के देखो। ये तो सूखा पुआ लग रहा है। खा के देखो ना ये चावल का है। अबे ठग दिया सूखा पुआ है सच में। मेरे ने बोला चावल का है। अपने बिहार में पुआ बनता है ना वही है ये सूखा सा। अभी हम लोग रंगिया जंक्शन पे हैं। खुल गया ट्रेन भाई साहब। अच्छा कोई और ट्रेन आ रहा है। अरे वाह भैया क्या किस्मत है आप फिर मिल गए। वाह वीडियो वायरल हुआ था हमको मालूम। अरे वाह अरे बहुत कम आदमी है ना। हाँ कुछ लोग इधर उधर चले गए। जाइए कोई दिक्कत ना चाय कॉफी पीते रहिएगा। ये तो वही भैया हैं जो जाते टाइम मिले थे ट्रेन में। कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया है जो कि नेक्स्ट स्टेशन पे हमारा आने वाला है तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। मेरा खाना लेके कोई तो होगा यहाँ पे स्टेशन पे। अब देखना है कि कहाँ पे हैं वो। यार लगता है मेरा पैसा गया कोई तो दिख ही नहीं रहा स्टेशन पे। ये रहा मेरा खाना। ये है भैया ये है। थैंक यू। आ गया भाई मेरा खाना। किन्ने इस खाने में और ट्रेन के खाने में कुछ खास फ़र्क तो दिख नहीं रहा। अब खा के देखते हैं क्या फ़र्क है। तो गिन्नी ने यहाँ पे खाना शुरू कर दिया है। जल्दी से खा के बताओ कैसा है ताकि मैं पब्लिक को भी रिव्यू दे पाऊँ। उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है
ठीक मतलब ट्रेन के खाने से ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन के खाने से ज़्यादा अच्छा है मतलब रेस्टोरेंट टाइप तो नहीं है। तो यहाँ पे सब्जी बचा हुआ है, गिनी जा रही है अपना वाला रोटी लेके आने के लिए, अपना रोटी डाल के इसमें फिर सब्जी के साथ खाएंगे। अब आएगा असली मज़ा। ये देखो हमारे घर वाला रोटी है जो कि रूमी दीदी ने बनाया है बहुत ही स्पेशल तरीके से। वाह रे, रूमी दीदी का बनाया हुआ रोटी तो नान जैसा लग रहा है। अब ये खा के देखते हैं एक बार। रोटी की वजह से टेस्ट बढ़ गया, नहीं तो सब्ज़ी अच्छा नहीं है। अब प्याज काटा जाएगा पूरा, गिरनी तो पूरा जुगाड़ लेके आई है। धोना पड़ेगा इसको। गिरनी गई प्याज को धोने। प्याज आ गया भाई हमारा प्लेट में। अब नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू में रस ही नहीं है। इन पूरे प्लेट के खाने में से ना सबसे ज्यादा बुरा ये लड्डू लग रहा है। सामने का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एकदम देखने लायक है। मैंने इन लोगों को यहाँ पे इस तरह से खाते देखा और मैं पूरा शॉक हो गया। ये तो एकदम घर वाला मजा ले रही है, फील ले रही है भाई। पता है लोगों किसने भेजा ये? हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। और पता नहीं उनको हमारा सीट नंबर वगैरह कैसे पता चला। नहीं नहीं, उन्होंने टीटी को पूछा कि गिन्नी पांडे वो ऐसे ही हुआ शायद, और टीटी ने बताया। और फिर वो खाना ना जो कैंटरी वाले होते हैं ना, यही टीटी। हाँ हाँ, कैटरिंग वाले भैया। हाँ, यही टीटी वाले भैया ने बताया हमको कि आपको आपके लिए कुछ खाना आया है और किसी ने भेजा है। तो इन्होंने हमारा सीट बताया कैंटरी वाले भैया को, और वो हमारी सीट पे रखे गए। जिन्होंने भी भेजा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बता देना करके कि किसने भेजा है ये। यार हम मिल तो नहीं पाए आपसे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वो मिल लिया हमसे। मज़ा आ गया। बहुत सारा चीज़ है खाने के लिए, रसगुल्ला है यहाँ पे, और भी समोसा कचौड़ी बहुत कुछ है, और साथ ही साथ इधर और भी कुछ है, इडली वगैरह शायद। हम लोगों ने बहुत ही ख़राब खाना खाया था, अभी आपकी बदौलत हमें बहुत ही अच्छा खाना मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ना मोस्ट फेवरेट है ये कुछ अलग ही टाइप का मिठाई लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है ना। बहुत टेस्टी है, हम खा रहे हैं, उसमें गिरा भी रहा है। ये हम ही को खाना पड़ेगा, और जो बचेगा उसको ये दबाना ही पड़ेगा, लेके जा नहीं सकते हैं इसको, नहीं तो लीक कर जाएगा। अभी हमारा ट्रेन कहीं तो रुका हुआ है अब किसी स्टेशन पे, एकदम अंधेरा है यहाँ पे। देखो पूरा स्टेशन पे अंधेरा है, और ये स्टेशन कौन सा है वो तो पता नहीं है। यहाँ पे देखो गिन्नी, और इसको पता नहीं है कि मैं बाहर निकल गया। देखो बोला था ना इसको नहीं पता है। आ रहा हूँ। एक बार चलो देख के आते हैं कि स्टेशन का नाम क्या है। स्टेशन का नाम है अंबारी फलकाता। तो अभी हम लोग देखो सिलीगुड़ी में हैं, और मंगल देखो वहाँ पे खड़ा है, और वहाँ पे कोई हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब हैं जिनसे मंगल बात कर रहे हैं। आज देखने को मिलेगा कि ट्रेन से हमारा घर कैसा दिखता है। यहाँ पे जो सड़क देख रहे हो ना, वहाँ से हम लोग अक्सर मार्केट जाया करते हैं, वही सड़क है सामने। बस यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं वो भी हमारे गांव के ही हैं। ये हमारा खेत वाला जो पुल है वो क्रॉस हो गया,
अब देखो सामने हमारा घर आने वाला है, ये हमारा घर, ये रहा ये रहा। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा घर, सामने पांडा भी है, गिनी भी थी। चलो 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 उतरो, लाओ भाई लाओ भाई, बोरा दो बोरा दो। ये हल्का चीज मत दो, तुम खुद उतरो यार। हाँ नहीं तो हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ होता है, आज पहली बार इतना शांति है। पब्लिक कमेंट करके बताओ, पक्का इतना ही सामान था ना हमारा। पब्लिक को पता होगा, सब लोगों ने थोड़ी देखा था। अरे मतलब मैं इस वाले पब्लिक से पूछ रही हूँ, अपने वाले सबको सबने देखा नहीं है सामान कितना था, इतना ही होना तो चाहिए। नहीं नहीं भैया उठा लेंगे, चलो चलते हैं और ऑटो लेते हैं, घर निकलते हैं। भाई यहाँ स्टेशन पे देखो सामान कैसे उठाना पड़ रहा है, हमारे सब्सक्राइबर लोग भी मिल रहे हैं और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी है। चलो चलो क्या हो गया, नीचे गिर गई मंगल यार, मैं तो आगे आ गया था, मंगल अभी उतर ही रहा है वहाँ से। इधर हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और सामान देखो कितना सारा है, आदमी भी नहीं दिख रहा है, अभी तक सामान ही एडजस्ट किया जा रहा है। ये देखो आ गया हमारा टोल प्लाजा, अब बस हम लोग 10 मिनट में यहाँ से घर पहुँच जाएंगे। और मंगल जो है रास्ते में ही उतर गया, उसका कोई दोस्त आ गया तो वो बोला कि मैं बाइक से आऊँगा, तुम लोग ऑटो से चलो। किधर ये रहा, ये रहा, ये रहा। वो देखो सामने से जा रहा है। रुक भाई, बस बस बस। अबे यार शिट यार, मंगल तो खेल कर दिया उधर। भैया पीछे लीजिए पीछे लीजिए, अंदर लेना है ऑटो, नहीं उतरना मत उतरना मत, जल्दी 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 भैया जल्दी अंदर लो भैया। अरे बाप रे, मंगल का हाल देख। अरे अंदर लीजिए अंदर लीजिए अंदर लीजिए, ना ना अंदर लो भैया, हल्का हल्का भैया हल्का हल्का। अरे उसको पता ही नहीं है कि अंदर कोई है, पांडा को पता नहीं है, उसको पता नहीं है। अरे जो गिने चुप, उसको पता नहीं है यार, उसको पता नहीं है कौन है, वो पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे बस 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 बस, अरे बस बस। अरे माफ रे माफ, मेरा बाबू, लंबा तो हुआ है। आगे आगे साला मुझे भूल गया। अरे तुम्हारा टी शर्ट चेंज कर लेना चाहिए था, ये देखो क्या हाल कर दिया। जाने दो क्या करेंगे, काट मत काट। अरे बाप रे, हां मैं बेटा, हां मैं बेटा, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे भाई, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, बैठो बैठो, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। इधर आ इधर आ, सामान उतारो भाई, ये तो यूट्यूब ज़्यादा पतला पांडा हो गया। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, भैया को मंगल सामान करो, पैसा दो। अरे हाँ इनको पैसा दो जल्दी। तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गया यार, हद से ज़्यादा थक गए हम लोग। स्टेशन से ऑटो में बैठ के आना, और देखा आप लोगों ने सामान कैसे कैसे भर के ले आए हम लोग, और सामान उठाने के लिए भी कोई नहीं था। हम लोगों ने ना कूली किया, क्योंकि कूली मैं ही हूँ,
और मैंने सब सामान उठाया, मतलब सब सामान हम लोगों ने मिलकर उठाया, मैंने भारी वाला उठाया। घर पे आने के बाद अभी तक हम लोग नहाए भी नहीं हैं और ना खाए हैं, तो अभी चलते हैं नहाने खाने और उसके बाद आपसे शाम में मिलते हैं आज, ठीक है? तो अभी जा रहे हैं हम लोग, शाम में मिलते हैं आपसे। ये वीडियो फिलहाल कर देंगे यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।